हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि बहुत मज़े में होंगे। हम लोग आज से एनवीडीए को एक नए और स्पेशल तरीके से लर्न करना शुरू करते हैं। मैं कुछ कमांड्स बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, बहुत बेनिफिशियल। मैं रोज़ आपको एनवीडीए की न्यू न्यू कमांड्स बताऊँगी। इसके बाद हम जॉज लर्न करेंगे और फिर एडवांस लेवल की एप्लीकेशंस। तो एनवीडीए क्या है? नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, बहुत फेमस है, जॉज के मुकाबले में आज खड़ा है। एन वी एक्सेस ने बनाया है, इंडियन वॉइस सॉफ्टवेयर यानी स्क्रीन रीडर है। एन वी डी ए की एक कमांड आप लिख लीजिए, इंसर्ट बी। इंसर्ट बी क्या होता है? डायलॉग बॉक्स को पढ़ के बताता है, पूरा डायलॉग बॉक्स केयरफुली रीड कर सकते हैं। एक है विंडोज़ बी। विंडोज़ बी किस लिए है? नोटिफिकेशन पैनल के लिए, पहले आपको बता चुकी हूँ, जिससे आप नोटिफिकेशन और दूसरी दूसरी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इंसर्ट टी, टाइटल सबको पता है, इंसर्ट टैब, फोकस सबको पता है, फोकस चेक करते हैं। इंसर्ट कंट्रोल टी ट्रांसलेट के लिए है, अगर आप एनवीडीए का ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। इंसर्ट ऑल कंट्रोल टी, ये टच पैड के लिए है, टच पैड ऑन एनवीडीए के साथ रन कर सकते हैं आप, और टच पैड ऑफ, मगर एनवीडीए का ये 23.3 में ये फीचर है, 2023 का जो 0.3 है उसमें ये फीचर है कि ऑल्ट इंसर्ट कंट्रोल टी। क्या? ऑल्ट इंसर्ट कंट्रोल टी, इन चारों को और करेंगे, और ये जो कैप्स लॉक वाले अभी जो होता है ना एनवीडीए की, जब सेटिंग करेंगे तो ऑन कर लेंगे, तो एनवीडीए का ये फीचर काम करेगा टच पैड ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। बाकी इंसर्ट कंट्रोल नहीं, इंसर्ट एम से भी होता है, माउस ट्रैकिंग ऑन ऑफ होती है, लेकिन वो टच के लिए नहीं है, टच के लिए। और इंसर्ट ऑल कंट्रोल टी है, मगर किस में फीचर मौजूद है? 2023 के 0.3 में। ओके, और आपको इंसर्ट कंट्रोल टी के बारे में बताती हूँ। उससे ऑटोमेटिकली ब्रेल फोकस, ऑटोमेटिकली फोकस, ब्रेल फोकस, ब्रेल फोकस और रिव्यू फोकस तीनों में जाता है, ऑटोमेटिक पर रखते हैं तो अच्छा रीडिंग एक्सेस देता है एनवीडीए। इंसर्ट F12 क्या होता है? तो आपको क्या करेगा, इंसर्ट F12 जो है वो आपका टाइम दिखेगा, दो बार दबाएंगे डेट भी आएगी, ठीक। और खाली F12 का इसके लिए सेव एज के लिए, और इसके अलावा आप लोगों के लिए इंसर्ट, हाँ आप लोगों के लिए इसके अलावा जो और कुछ कमांड्स हैं नए नए, वो मैं आपको, क्योंकि रेगुलर तो हर किसी को बताती ही रहती हूँ मैं आपको पढ़ाने में, नए नए कमांड्स मैं आपको इंक्लूड कर करके बताती रहूँगी। कल एनवीडीए का जो यूज़र गाइड है उसमें से मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। तो कल फिर कुछ नए कमांड्स के साथ मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुत बेनिफिशियल और बहुत ही बेनिफिटेड सॉफ्टवेयर है इस टाइम एनवीडीए। इसका जितना इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी। और एक एक्स डेव टूल है जो वेब एक्सेसिबिलिटी चेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो एनवीडीए के साथ यूज़ कीजिए, एनवीडीए के साथ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के लिए एक्स डेव टूल का ट्यूटोरियल कोई ना कोई आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं बना के दे दूँगी। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी फिर कल नए एक ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।